हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटपटा चिल्ली चिकन, जो कि बहुत ही इजी होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिल्ली चिकन बनाने के लिए हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। हमने 250 ग्राम चिकन लिया है, हड्डी को हटाकर हमने मांस को लिया है, एक शिमला मिर्च काट लिया है, प्याज को हमने गोल गोल करके काट लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है, नमक लिया है, जीरा पाउडर लिया है, लहसुन और अदरक को हमने बारीक बारीक करके काट लिया है, एक टमाटर काट लिया है, सोया सॉस लिया है, विनेगर लिया है, एवरेस्ट फिश करी मसाला लिया है। चिकन को हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके डिज़ाइनों में काट लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में पानी डालकर इसमें चिकन को उबालेंगे। अब इसमें एक छोटा चम्मच नमक डालेंगे। इसको हम 3-4 मिनट तक उबलने देंगे। अब चिकन को हम हल्का फ्राई करेंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसमें लहसुन और अदरक डालेंगे। हल्का गोल्डन होने के बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। अब इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, छोटा आधा चम्मच नमक डालेंगे, छोटा 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम चिकन डालेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और थोड़ा सा सोया सॉस डालेंगे। अब थोड़ा सा फिश करी मसाला डालेंगे। अब लास्ट में इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हल्का सा मिलाकर इसको उतार देंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा चिल्ली चिकन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।